सत श्री अकाल, फास्ट न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज़े विच। पटियाला विखे KSI ते गड्डी चढ़ाने वाले शख्स मुलजम गुरबाज सिंह नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उकत मुलजम हरियाणा का रहने वाला है। दस दईए कि बीते दिन पटियाला दी लीला भवन विखे जदों एक पुलिस मुलाजम सूबा सिंह ने एक चिट्टे रंग की स्विफ्ट कार नूं चैक करन लई रोकण की कोशिश की, तां गड्डी चालक ने पुलिस मुलाजम नूं कुचलदे होए गड्डी भजा के लै गया। पुलिस मुलाजम हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। पटियाला दे SSP दे दिशा निर्देशां अनुसार पटियाला पुलिस वल्लों पुलिस चौंकी मॉडल टाउन दे इंचार्ज SI सूबा सिंह ने पुलिस पार्टी नाल लीला भवन चौंक च 15 अगस्त के मद्देनजर नाका लगाया होया सी। चैकिंग दौरान हरियाणा नंबर डिजायर गड्डी नूं रुकण दा इशारा किया, तां गड्डी चालक ने ASI सूबा सिंह ते गड्डी चढ़ा दी, जिस दौरान ASI सूबा सिंह दे काफी सट्टां लगियां ते खब्बे पैर दी हड्डी टुट गई। उन्हां नूं पटियाला दे एक प्राइवेट हस्पताल विच दाखिल कराया गया, जिस तों बाद पटियाला पुलिस वल्लों गड्डी दी भाल कीती जा रही सी। जिला कपूरथला दे हलका सुल्तानपुर लोधी दे पिंड परमजीतपुर, जिसनूं ज्यादातर इलाके दे लोक पिंड आलूपुर दे नाम नाल भी जानदे ने, इस पिंड दे पंजाब ग्रामीण बैंक विच कुछ लुटेरियां वल्लों बैंक लुटन दी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया, पर बैंक लुटन विच लुटेरे नाकामयाब रहे। इह घटना उस समय होई जदों बैंक कर्मचारी 13 अगस्त नूं अपना काम मुका के बैंक नूं बंद करके चले गए। उस तों बाद छुट्टियां होण कारण 16 तरीक नूं जदों बैंक कर्मचारी मैनेजर वल्लों बैंक खोलिया गया तां उन्हां दे होश ही उड़ गए। उन्हां देखिया कि बैंक दे पिछले पासे दी कुछ अणपछाते चोर लुटेरियां वालों कंध नूं पाड़ के कैश लॉकर तक पहुंच के कैश लॉकर नूं किसे औजार नाल तोड़न दी कोशिश की जा रही सी, जिन्हां ने बैंक दे पिछले पासे 2 कंधां ते पाड़ पा के तीसरा लॉकर नूं भी नुकसान पहुंचाया, पर किसे वजह नाल कैश लुटन विच लुटेरे नाकाम रहे। बैंक कर्मचारियां वल्लों तुरंत पुलिस नूं सूचित किया गया, जिस तों बाद पुलिस दा कहना है कि उन्हां वल्लों CCTV कैमरियां दी मदद दे नाल लुटेरियां नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल ते निशाना विरन दिया, कहा है कि सुखबीर बादल दियां टिप्पणियां ते तिखा पलटवार कीता है। मनप्रीत बादल ने कहा है कि अकाली दल विचारक तौर ते कंगाल है, किसे वाल उंगल चुकन तो पहला अपने वाल झात जरूर मारनी चाहीदी है। नाल ही उन्होंने कहा कि अकाली दल एक डुबे हुए बैंक वर्ग है। लुधियाना दे पिंड हंबड़ा च गुआंढियां दे लड़ाई झगड़े दी एक वीडियो वायरल हुई है, जिस विच एक जनानी नूं बुरी तरह कुटिया जा रहा है। जानकारी मुताबिक किसे गल नूं लैके 2 गुआंढियां विचकार लड़ाई हो गई। इस लड़ाई दौरान एक महिला नूं बुरी तरह नाल कुटिया गया। एक व्यक्ति ने हाथ डंडा फड़ के बेरहमी दे नाल महिला दी कुटमार कीती ते उस नूं वालां तों वी घड़ीसिया। इस मामले नूं लैके जदों पुलिस दे जांच अधिकारी हंबड़ा चौंकी इंचार्ज हरपाल सिंह नाल संपर्क कीता गया तां उन्हां कहा कि इस मामले विच दोहां धिरां दा राजीनामा हो गया ते कोई मामला दर्ज नहीं कीता गया। मशहूर गायक मनप्रीत सिंह उर्फ सिंगा, जिसने अपने पंजाबी गीतां नाल नौजवान दे दिलां नूं छुया है, मोहाली दे थाना सुहाणा दी पुलिस ने गायक सिंगा जिला हुशियारपुर दे मैलपुर दे वसनीक ते उस दे साथी गायक जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गी वासी संगरूर दे पिंड अमरगढ़ दे खिलाफ हवा च गोलीबारी करन दे दोष च मामला दर्ज कीता है। दोवां खिलाफ IPC दी धारा 336 ते 34 दे तहत मामला दर्ज होया। गायक जग्गी ते सिंगा कार च ने, जग्गी कार चला रहा है जदों कि गायक सिंगा कार दे सज्जे पासे वाली सीट ते बैठा है। कार च चल रहे गीत सिंगा किस तों घट है बिगड़िया जट है ते अपने होश गवा दिते, जिसने उस दे कानून दे डर नूं खत्म कर दिता है। उसने खिड़की चो पिस्तौल कढ़िया ते हवा विच गोलियां चला दित्तियां। दस्सिया जा रहा है कि दोवां मुलजमां नाल कार च इक तीजा व्यक्ति भी सी, जो सिंगा ते जग्गी दे इस कारे दी वीडियो बना रहा सी। हवा च गोलीबारी करदे हुए वीडियो नूं पूरा करन तो बाद सिंगा ने इस नूं अपनी स्नैपचैट ते भी अपलोड किया सी, पर कुछ समय बाद जदों वीडियो अपलोड करन च गलत महसूस होया तां सिंगा ने तुरंत इस नूं डिलीट कर दिता। उस समय तक यह वीडियो काफी वायरल हो गई सी। दस्सिया जा रहा है कि जिस सड़क ते वीडियो शूट किया जा रहा सी उह सुहाणा गुरुद्वारे दे सामने बनी होमलैंड सोसायटी वल जाण वाली सड़क दसी जांदी है। दरअसल गायक इस सोसायटी की 4th मंजिल ते रहिंदा है। वायरल वीडियो फड़े जाण तों बाद सुहाणा पुलिस स्टेशन ने दोवां गायकां खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि खबर लिखे जाण तक किसी भी दोषी गायक नूं गिरफ्तार नहीं किया गया। आगामी पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल वल्लों उम्मीदवारां दा ऐलान किया जा रहा है। इस दे चलदियां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल वल्लों जलंधर कैंट तों श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार दा ऐलान कर दिता गया है, जिस दे चलदियां अकाली दल वल्लों जलंधर कैंट तों जगबीर बराड़ नूं टिकट दिती गई है। जगबीर बराड़ कांग्रेस छड्ड अकाली दल विच शामिल होए सन।
महादेव नूं खुश करन लई श्रद्धालु तरह तरह की कोशिश करते हैं। इस दौरान राजधानी भोपाल विच महादेव नूं खुश करन लई सजावट की वखरी तस्वीर सामने आई है। श्रद्धालुआं ने महादेव के श्रृंगार च 15 लाख रुपए के नोटों का चढ़ावा चढ़ाया। ये तस्वीर भोपाल के गिनौरी स्थित संकट हरण महादेव मंदिर दियां ने, जिथे श्रद्धालुआं ने नोटों के नाल महादेव का श्रृंगार किया। महादेव नूं 50, 100, 200, 500 ते 2000 रुपए के नोट इकट्ठे करके श्रृंगार किया गया। राठौर संघ की कमेटी ने 15 लाख रुपए के नोट इकट्ठे करके महादेव नूं चढ़ाए सन। महादेव के इस वखरे श्रृंगार लई 4 तों 5 घंटिया का समा लग्या, जदों की सेवा कमेटी का कहना है कि महादेव नूं चढ़ाई गई 15 लाख रुपए की राशि सेवा कमां ते खर्च की जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ते तालिबान के कब्जे विच आउण मगरों दुनिया भर विच हलचल मची हुई है। सारे देश अफगानिस्तान च फसे अपने नागरिकां नूं उत्थों सुरक्षित कढ़न च लगे हुए ने। भारत ने भी अपने नागरिकां नूं काबुल तों कढ़न लई मिशन शुरू किया है। इस दरमियान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काबुल के तालिबान के कब्जे च आउण तों बाद अफगानिस्तान च स्थिति की बारीकी नाल निगरानी कर रहा है। अफगानिस्तान च विगड़दे हालातां दरमियान विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर ते ईमेल आईडी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 91-97-17-58-53-79 जारी की है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वेलेस ने कहा है कि सरकार अगले 2 दिनों में अफगानिस्तान विचों 1500 होर लोगों को बाहर कढ़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिकों को लेकर पहला जहाज ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। वख-वख देश अपने डिप्लोमेटा अफगान कर्मचारियों और उनके परिवारों को काबुल चो बाहर कढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेलेस ने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार एक दिन में लगभग 1000 लोगों को बाहर कढ़ सकेगी, जिस विच ब्रिटिश नागरिकों को सहयोग देने वाले अफगानी नागरिक भी शामिल होंगे। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान ते कब्जा करके दहशत का माहौल बना दिता है। तालिबान ने कुछ ही दिनों विच पूरे देश ते कब्जा करके पछमी समर्थित अफगान सरकार नू गोडे टेकन लई मजबूर कर दिता है। अजिहे विच राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत लखां लोग अपनी जान बचाउण लई देश छड्ड के भज रहे ने, तां कि उत्थे इक काबुल दे मंदर दे पुजारी ने भजन तों इनकार कर दिता है। ओह काबुल विच आखिरी पुजारी है। भारतीय जनता पार्टी की अनुशासनहीनता के दोष हेठ बर्खास्त साबका मंत्री अनिल जोशी आगामी 20 अगस्त नूं भी भाजपा आगुआं सने अकाली दल विच शामिल हो जाणगे। उन्हां नाल कई वर्कर भी अकाली दल विच शामिल होणगे। माझे तों शहरी हिंदू वर्ग विच जोशी दा चंगा रसूख है। उन्हां ने 3 खेती कानूनां दे मुद्दे ते किसानां दी हमायत भी कीती सी। तालिबान ने अफगानिस्तान ते कब्जा कर लिया है। इसका सीधा असर भारत ते अफगानिस्तान विचाले व्यापार ते पवेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार तालिबान नूं मानता नहीं दिंदी, जदों कि भारत दे अफगानिस्तान सरकार नाल चंगे संबंध सन। भारत दक्षिणी एशिया विच अफगान उत्पादां दा सब तों वड्डा बाजार है। भारत ने अफगानिस्तान विच लगभग $3 अरब का निवेश किया। भारत ने अफगानिस्तान विचकार दुवल्ला व्यापार हुंदा है। वित्तीय साल 2020-21 दोवें देशों दे विच 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि 10,387 करोड़ रुपए का व्यापार होया सी, जदों कि 2019-20 दोवां देशों दे विच 1.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होया सी। अफगानिस्तान विच पैदा हुए संकट नूं लैके अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश नूं संबोधित किया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने राष्ट्र दे नां अपने संबोधन विच अफगानिस्तान तों अपने देश दीआं फौजां वापस बुलाउण दे फैसले दा सख्त तरीके नाल बचा किया है। इस नाल ही उन्होंने तालिबान नूं किसी भी गलत फहमी विच ना रहण दी चेतावनी दिंदिआं कहा कि जेकर तालिबान अमरीकी हितां नूं नुकसान पहुंचांदा है तां उस नूं इस दे विनाशकारी नतीजे भुगतने पैणगे। दरअसल उन्होंने चेतावनी दिंदिआं कहा कि जेकर तालिबान अजिहा कुछ करन दी हिम्मत करदा तां साडी प्रतिक्रिया इन्नी तेज ते शक्तिशाली होवेगी कि उसने कदे सोचिआ भी नहीं होवेगा। रणजीत सागर डैम तो 12 दिनों बाद मिली लेफ्टिनेंट कर्नल अभित सिंह भाठ की मृतक देह उसके घर पहुंच गई है। उन्होंने मृतक देह नूं इत्थे पिछले 2 घंटिया लई रखा जाएगा। इस तों बाद उन्हों का अंतिम संस्कार शहीदा साहिब विखे किया जाएगा। दस दईए कि 3 अगस्त नूं भारतीय फौज का हैलीकॉप्टर क्रैश हो गया और रणजीत सागर डैम विच डिग गया। सह पायलट जयंत जोशी का अज तक कुछ भी पता नहीं लग सकिया। जल सेना ते फौज दीआं विशेष गोताखोर टीमां तलाशी मुहिम विच जुटियां होईआं ने, जिस विच 57 लोग शामिल ने। मीह पैण कारण भी गोताखोरां नूं सर्च मुहिम विच मुश्किल हो रही सी। इस मुहिम विच लगभग 150 जवान शामिल सन ते पूरे 12 दिनां बाद पायलट दी मृतक देह बरामद हुई है।
जिथे एक पासे तालिबान ने अफगानिस्तान से पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है, इथों तक के हालात बना दिते ने कि देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी लोगों की जान माल की परवाह किए बिना देश तो दौड़ गए ने। उथे ही अजे माहौल असं थानू दिखाने कि तालिबान किस तरह है। तालिबानी झूठिया जिम के नजारे मान रहे ने, जिस तो पता लगता है कि तालिबान की लोगों प्रति की सोच है। तो लोग घर तो बेघर हो गए ने, पर तालिबानी अपना खूब मजा कर रहे ने। इस खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्यवाद।